आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लेबर रूम में इंटर्न का क्या काम होता है। ओके, बैग अंदर रखी, ठीक है। ये जो सुन रही है धड़कन ही है, ये आपके बच्चे की धड़कन नहीं है। हेलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लेबर रूम में इंटर्न का क्या काम होता है। आज मेरी पोस्टिंग लेबर रूम में है और आज मेरी नाइट ड्यूटी है लेबर रूम में। तो वैसे मॉर्निंग और इवनिंग भी होती है, बट मुझे लगा कि मैं नाइट का ही व्लॉग बना लूँ, क्योंकि नाइट में आई थिंक मैं ज़्यादा बिजी नहीं होंगी। मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी ज़्यादा बिजी रहती थी, तो आई थॉट कि नाइट में बना लेना चाहिए व्लॉग। सो या मैं उसमें दिखाऊंगी कि एक इंटर्न का काम क्या होता है। लेबर रूम सुन के ही होता है ना कि क्या होता होगा लेबर रूम। ऑफ कोर्स डिलीवरीज होती है, बट मोर इंटर्न का और क्या क्या काम होता है वहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। ये डिलीवरी से पहले क्या होता है, ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखना। ड्यूटी स्टार्ट होते ही मुझे पता चला एक पेशेंट को रेफ़र करना था हायर सेंटर में, तो मुझे साथ में भेजा गया उस पेशेंट को रेफ़र करने के लिए। लेबर रूम में एंटर करते ही सबसे पहले मुझे अपने शूज़ चेंज करने हैं। ये है हमारा लेबर रूम का डॉक्टर्स रूम, तो यहीं पर मैं अपना बैग रख दूंगी। यहाँ पर हमें एक बेड मिला है जिस पर डॉक्टर्स टर्न बाय टर्न रेस्ट कर सकते हैं। बैग अंदर रखी, ठीक है। डॉक्टर बेड ही साफ रखें रेस्ट के बाद। ओके गाइस, तो मैं लेबर रूम में पहुँच चुकी हूँ और अब मुझे कैब चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कैब नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ एंटीनेटल या प्रोक्सीनेटल बोर्ड में जाके कैब लेके आती हूँ, यहाँ पे तो नहीं है। लेबर रूम में एडमिट होने से भी पहले वी इवेल्युएट पेशेंट्स इन ट्रियाज रूम। तो ट्रियाज रूम में हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं एंड वी सी एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर दे आर। यहीं पर हम पेशेंट की पीवी एग्जामिनेशन करते हैं टू चेक सर्वाइकल डायलेशन, और साथ ही साथ हम पेशेंट के वाइटल साइंस और FHS भी मॉनिटर करते हैं। लेबर रूम में जो केसेस आते हैं वो है नॉर्मल टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर, एंटीपार्टम हीमरेज, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, सीजर्स, डिक्रीज्ड फिटल मूवमेंट, फिटल डिस्ट्रेस, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स,
ब्लीडिंग पर वेजाइनम, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अप्रप्शियो प्लेजेंटे, प्लेजेंटा प्रीविया, मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कॉर्ड प्रोलैप्स एक्सेट्रा। ट्रियाज रूम में पेशेंट की एडमिशन फाइल बनती है और उनके डायग्नोसिस के बेसिस पर हम उनको एडमिट करते हैं लेबर रूम, एंटीनेटल वार्ड और गायनी वार्ड में। पेशेंट को एडमिट करने से पहले वी मेक श्योर दैट दे आर कोविड नेगेटिव, तो इससे पहले हम उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। सो दिस इज फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू डू रैपिड टेस्ट, सो दिस इज हाउ वी डू इट। सबसे पहले हम पेशेंट का नेसोफेरिंजियल स्वाब का सैंपल ले लेंगे और उसको एक्सट्रैक्शन बफर में मिक्स कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे। पेशेंट को एडमिट करते ही हम उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशंस लाइक CBC, LFT, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, RBS, कोएगुलोग्राम एंड 2 एक्स्ट्रा वायल्स फॉर अरेंजिंग ब्लड इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। आज मुझे नींद नहीं आ रही, वैसे मुझे आती है नाइट ड्यूटी में। HIV का डॉक्टर, लेकिन HCV का पूछना पड़ेगा आपको। HCV बोलनी थी, बहुत बफर भी होगा इसका, बफर दोनों का होता है, एक HIV का और एक HCV का। ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, बता नहीं सकती। हाँ टोटल हम 5 वायल्स कलेक्ट करते हैं एक पेशेंट से, 1 EDTA वायल फॉर CBC, 1 प्लेन वायल फॉर LFT, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट RBS, 1 ब्लू वायल फॉर कोएगुलोग्राम एंड 2 एक्स्ट्रा वायल्स फॉर अरेंजिंग ब्लड। दिस इज ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म जो हमें प्रॉपरली फिल करके ब्लड बैंक में सेंड करना है। खा लो या पराठा खा लो, तो मैंने एक मैगी ली है
मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने एक मैगी ली है और एक मैंने पराठा लिया। तो ये है मेरा डिनर आज के लिए। एक्चुअली गायन वाला जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, काम था लेकिन उन्होंने बोला कि तुमने डिनर नहीं किया, तुम जाके पहले कुछ खा लो फिर काम कर लेना, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। देर इज़ अ फर्स्ट स्टेज लेबर रूम बिफोर ग्रेविडा एंटर्स इन टू डिलीवरी रूम। तो इस फर्स्ट स्टेज लेबर रूम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं, जैसे कि प्लॉटिंग पार्टोग्राफ, चार्टिंग पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर एट रेगुलर इंटरवल्स, कॉन्ट्रैक्शंस आर रिकॉर्डेड एवरी हाफ आवरली, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, पीवी एग्जामिनेशन, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, recording the amount of oxytocin and other drugs and IV fluids if administered. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के स्टार्ट होते ही हम ग्रेविडा को शिफ्ट कर देंगे डिलीवरी रूम में। डिलीवरी रूम में कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स और सप्लाईज होती हैं, जैसे कि फॉलिस कैथेटर, यूरो बैग, लिग्नोकेन जेली, कैटकट स्यूचर, आईवी कैनुला, सिरिंजेस, बैकरीज बलून, बेसिक फ्लूड्स अमंग विच द आइडियल फ्लूड इज रिंगर लैक्टेट। डिलीवरी रूम में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेज होती हैं, जैसे कि डिलीवरी ट्रे, एपिजियोटॉमी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, एमरजेंसी ड्रग्स ट्रे, बेबी ट्रे, एमवीए ट्रे, पीपीआईयूसीडी ट्रे। इफ लेबर रूम ज़्यादा बिजी ना हो तो हम इंटर्न्स को प्लेसेंटा आउट करने का, एपिजियोटॉमी स्टिच करने का और डिलीवरी करने का भी चांस मिल जाता है। टू प्रिवेंट पोस्ट पार्टम हीमरेज वी फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बर्थ होते ही वी मेक श्योर दैट न्यूबॉर्न इज ब्रीदिंग इफेक्टिवली, इफ नॉट देन वी डू सक्शन माउथ एंड नोज विद म्यूकस एक्सट्रैक्टर एंड देन वी फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन। टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया बेबी को रेडिएंट फॉर्मर में रख दिया जाता है एंड अलोंग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि विटामिन के इंजेक्ट करना, बेबी को आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना, बेबी को वे करना एंड ऑल द फाइल वर्क एंड ऑक्सीजन हुड इज यूज फॉर द बेबीज हु कैन ब्रीद ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। इधर 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 इधर
पावर नैप के बाद हमने एक टी ब्रेक लिया एंड देन आई कंटिन्यूड माय वर्क। धड़कन, ये जो सुन रही है धड़कन ही है, ये आपके बच्चे की धड़कन नहीं है। At around 6 a.m. एक emergency LSCS का केस आया and I got a chance to see it.